अपनी बात कर लूं पहले प्लीज, एक मिनट। मैंने अभी बात खत्म नहीं की। मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। ये पहली लीक्स नहीं है जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया गया, पैनामा लीक्स। एक डॉन लीक्स भी आई थी। वजह ये है, बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर लाना। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। अब अगर उसके खिलाफ साजिश की बाज नहीं आए तो वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनेगा, पांचवीं दफा भी वजीर आजम बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जासमीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, अपडेट्स आज के हवाले से आप जानते हैं, पिछले एक साल से मुल्क में एक ही चीज कोरोना है और अब मामलात आज यहाँ हुए कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने मरियम साहिबा पेश हुई और 2 से 2.5 घंटे तक उनके सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। बाहर निकली तो मीडिया से गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू क्या थी ये आपने सुन लिया। सवालात उन्होंने अलबत्त कोई नहीं लिए, लेकिन अब एक बात तो तय हो गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रूलिंग पार्टी शरीफ खानदान को इस बात का अंदाजा हो गया है और हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे इंसान की जिंदगी में पॉइंट्स ऐसे आते हैं या वक्त ऐसे आते हैं या टर्निंग पॉइंट्स मैं तो कहूंगी ऐसे आते हैं जब शायद उसे ये लगता है कि अब हमें कोई नहीं छू सकता, नाउ वी आर ऑल अबव द लॉ। और पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने हमेशा यही किया है, कोई भी इदारा हो उसे जेब में डाल लेना, इदारे के सरबराह को अपनी मर्जी से अपॉइंट कर देना, PIA का तैयारा लंदन जा रहा हो तो लंदन से उसको रोम मोड़ लेना, रोम से उसको वापस ले आना, जहाज में अपने बंदे ले जाना, अपनी मर्जी से फॉरेन पॉलिसी बनाना, पार्लियामेंट को मिक जाना ना जाना, अपनी मर्जी से हर काम करना और फैसले चंद मखसूस लोगों के साथ मिलकर करना। लेकिन जिन पर इल्जाम ये लगा रहे हैं और जिनकी बात आज उनकी साहिबजादी ने भी की है, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, वो कौन से ऐसे राज हैं? ये कौम जिसने आपको वोट डाले, अगर आप ये कहते हैं 22 करोड़ अवाम आपके साथ है, तो मेरे ख्याल से नाउ इज द टाइम। पहली बात तो ये गुमराही जो है अवाम को करना, मेरे ख्याल से जाती तौर पर ये छोड़ देना चाहिए। अब बार बार जो भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो रहा है फैमिली मेंबर, वो ये कह रहे हैं जी हमें नहीं पता हमने क्यों बुलाया, हमें नहीं पता जी हमने क्या कर दिया, हम पे तो इल्जाम लगाया जा रहा है, इल्जाम तो अभी ढूंढा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। माजरत के साथ, इल्जाम एक साल पहले इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट ने एक रिसर्च के तहत एक उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के बारे में छाप दिया उनके नामों के साथ कि किस किस ने ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं और उन ऑफशोर कंपनीज की मद में कौन कौन से कारोबार चल रहे हैं, बैरून मुल्क क्या क्या हो रहा है, किसकी कितनी प्रॉपर्टीज है। 12 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने बनाए, आप नहीं जवाब दे सके। आप बार बार कौम को ये क्यों बताते हैं आकर कि आपसे किस चीज का सवाल किया जा रहा है? अरे बाबा, आपसे सिर्फ यही तो पूछा जा रहा है कि आपने 50,000 दफा बयान दिए, कभी असेंबली में, कभी असेंबली से बाबत, कभी कौम के सामने, लेकिन आप ये नहीं बता सके कि इस तमाम कारोबार के लिए पैसा बच्चों के पास कहां से आया, दादा ने बच्चों को दिया या बच्चों ने बाप को, बाप ने बेटी को दिया या बेटी ने माँ को। बहरहाल मामला कुछ ऐसे हैं कि हर इदारा बिक नहीं सकता, जजेस सारी जिंदगी प्रेशराइज नहीं हो सकते और ये 90 का दौर नहीं है कि जब भी डंडा चलाया उठाया और अपनी मर्जी से किसी को भी सजा करवा दी। जस्टिस कयूम का किस्सा कोई इतना दूर नहीं है, लेकिन वक्त बदल रहा है और वक्त को बदलना होगा। वक्त को इसलिए बदलना होगा कि पाकिस्तान अब सिर्फ 2 तरीके से चल सकता है, कानून और आईन की पासदारी होगी और या कानून को जेब में डाल दिया जाएगा। आज अगर पूरी अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर और इस JIT पर लगी हुई है तो उसकी एक वजह है, उसकी सिर्फ वजह यह है कि इस मुल्क में यह देख लिया गया है कि अमीर के लिए कुछ और कानून है और गरीब के लिए कुछ और कानून है। यानी कि अमीर के लिए कानून यह है कि जब वजीर आजम की बेटी JIT के सामने पेश होती है तो उनको एक 16, 17 या 18 ग्रेड की पुलिस ऑफिसर, जो पाकिस्तान के कौम के पैसे से उस पर खर्च करके उसको अकेडमी में डाला गया होगा, उसकी ट्रेनिंग हुई होगी, वो झुककर ना सिर्फ उन्हें सलूट कर रही है बल्कि उठ के उनको उनके उनको एक पेन भी पेश कर रही है जो उनसे गिर गया था। जमहूरियत इसे नहीं कहते, जमहूरियत में मैं और आप बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। सो आज मरियम साहिबा ने कुछ सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जी इतना ना मेरे वालिद को पुश किया जाए कि उनके सीने में जो राज हैं वो दे दें, वो बता दिया जाए कि उनको कौन ब्लैकमेल कर रहा है और उनकी बेटी पर झूठे इल्जाम इसलिए लगाए जाते हैं कि बाप को दबाना है।
मेरा सिर्फ एक बुनियादी सवाल ये है कि आज हमें इस चीज का जवाब वाकई मिल जाना चाहिए और हमें दे देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को भी उनकी फैमिली को भी कि वो कौन सा इतना एक और पावरफुल इंसान है जो मुल्क के वजीर आजम को ब्लैकमेल कर रहा है। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट 12 सवालों के जवाब जो आपने सुप्रीम कोर्ट में नहीं जमा कराए आज उसी की पेशियां भुगत रहे। 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जाहिर सी बात है ये मामला चल रहा है। 10 जुलाई बहुत नजदीक है, जेआईटी जो भी फैसला करे अगर आपने उनको सैटिस्फाई कर दिया तो कर दिया, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन और आपकी धमकियां ये नहीं बोल रही। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि तरीके इंसाफ इसको किस तरह डील कर रही है और पीएमएलएन के लोग जेआईटी को किस तरह धमकियां दे रहे हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आज की पेशी से जो मुस्लिम लीग नून के सियासी जनाजे का आगाज हो गया है। इंक्वायरी इनकी जेआईटी वाले करते हैं और बाहर निकल के शुरू हो जाते हैं इमरान खान के ऊपर। जिस तरीके से इदारों को मिलाइन करने का एक स्टेज सेट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट उनको उसका नोटिस लेना चाहिए। आज तो पूरी कौम इसी इंतजार में थी कि मरियम साहिबा आएगी और जिस तरह उस इंटरव्यू में उसने कहा था कि अगर ये जायदाद साबित होगी तो मैं माफी मांगूंगी। मैं तो इसी इंतजार में था कि वो अब कौम के सामने आएगी और वो माफी मांगेगी कौम से कि मैंने झूठ बोला था। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने, सीनियर रहनुमाया पीएमएल काफ के, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और अब तरीके इंसाफ की एक सीनियर रुकन, इनामुल्ला नियाजी साहब सीनियर रहनुमाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामिल अली आगा साहब, ये आज जो पेशी हुई उसके बाद जो बातें मरियम साहिबा ने की किसको कह रही थी, मुझे भी बताएं और कौम को भी बताएं कि कौन है ऐसा पावरफुल शख्स या इंसान या कौन है वो जो इनके खिलाफ साजिश कर रहा है। कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब को इतना ना उकसाएं कि फिर वो आके सब कुछ बता दें, मेरा ख्याल से बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैस्मीन, इशारे तो इससे पहले भी काफी लोग करते रहे हैं, वो तलाल चौधरी भी करते रहे हैं और दानियाल अजीज भी करते रहे हैं और बहुत दफा जो है वो आबद शेर अली ने किया है, लेकिन आज मरियम नवाज ने तो बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात कर दी और इशारा दे दिया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके खिलाफ साजिश का इल्जाम है और वो साजिश कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ये कह रही थी कि मियां नवाज शरीफ सिविल बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, जी बिल्कुल, और उनको उसकी पदाश में ये उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो मेरे ख्याल में अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसमें सबसे अहम जो है वो अफवाज पाकिस्तान ही है, उसके अलावा तो कोई चीज नहीं है। और ये मेरे ख्याल में ये उन्होंने अब वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं हारे दा न्या, वो हारे दा न्या लेने के लिए चल पड़े हैं और वो समझते हैं कि अब चूंकि क्योंकि अपना जैस्मिन देखें, मैं एक वकील हूं जी, मुझे पता है कि मेरे मुकदमे के अंदर कितनी जान है और कितना रस मैंने इसके अंदर घोला है और कितना रंग चढ़ेगा, तो ये हर वकील को पता होता है और हर क्लाइंट को पता होता है, बिल्कुल ठीक। तो इन्हें पता है कि कितनी एविडेंस इन्होंने सफाई में पेश किया है और क्या क्या इन्होंने जो बारे सबूत इनके पास था कितना सबूत दिया है, तो जब ये नाकाम हो चुके हैं, एक कतरी खत जो है इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किया था जो कामयाब नहीं हुआ और नहीं होना था क्योंकि उस वो कंकोक्टेड एक स्टोरी थी और उसके मुतालिक पांचों जजों ने जो अपनी जजमेंट में लिखा हुआ है वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिख दिया हुआ है कि ये एक मफरूजा है और ये मफरूजा जो है उसको वो तो आखिरी सफे पे जाके आखिरी पैरे में जजिस ने अपने फैसले में ये लिख दिया कि चलो इसको भी देख लें, ये अगर इसमें कोई जान निकलती है तो ये सबूत देते हैं तो दे दें, लेकिन ये देने में नाकाम रहे हैं। और अभी आपने देखा ना, इसलिए शोर ज्यादा करते हैं कि कतरी के पास जाओ, कतरी के पास जाओ, हालांकि खत कतरी ने आगे तो पेश नहीं किया, खत तो इन्होंने पेश किया था, तो इनका इनका इनकी जिम्मेदारी थी कि वो कतरी शहजादे को लाते, उसको पेश करते और सारी मनी ट्रेल जो उसके पास थी वो लाते। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, गुड टू हैव यू ऑन द शो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करना चाहूंगी। ये बताइएगा कि
आज की पेशी के बाद आप मामलात को किस तरह देख रही हैं? और जिस तरह मरियम साहिबा ने निकल के जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की, जिस तरह उनका प्रोटोकॉल था, और फिर बार बार बच्चों का ये कहना, तलखी बहुत है लेकिन उनका ये कहना कि जी हमें तो पता ही नहीं हमें क्यों बुलाया जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं जी, देखे ना हमारे साथ तो ये हो रहा है, ये क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रही, मतलब क्या है इन बातों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो तारीख के डिफाइनिंग मोमेंट है उसमें आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, और आज के दिन का क्रेडिट जो है वो आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान साहब और पीटीआई की सारी क्यादत को देंगी कि पाकिस्तान की कौम का और इस मुल्क का जो मुकदमा इससे पहले लड़ा जाना चाहिए था। एक तनहा स्टेटस को चैलेंज करते एक शख्स ने अपनी वर्कर्स की ताकत के साथ उस रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए अल्टीमेटली पाकिस्तान के उस मुगलिया और शाही खानदान के अफराद को इस तरह बेबस कर दिया कि वो ना चाहते हुए भी उन अदारों को जिनको उन्होंने हमेशा मोम की तरह मोड़ते रहे और इंजीनियर करते रहे, प्रेशराइज करते रहे, डिक्टेट करते रहे, आज उन अदारों के सामने उनको जवाब देना पड़ा। और ये तो एक पॉजिटिव जेस्चर है, वी मस्ट अप्रिशिएट कि वो जैसे भी हुआ आज ये अमल मुमकिन हुआ कि शरीफ खानदान को आयन और कानून के ताबे उस जेआईटी के सामने पेश होके उन सवालात का सामना करना पड़ा। लेकिन वो ये अब वो जवाब दिए कि नहीं, नहीं जवाब दिए कि नहीं, ये फैसला बुला रहे हैं जवाब तो बहुत बड़ी बात है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है असल फिरदौस साहब कि वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं हमें क्यों बुला रहे। देखें, ये इस मासूमियत पे हम कुर्बान ना हो जाएं, इस मासूमियत पे कि ये मासूमियत की इंतहा है कि जेआईटी के अंदर 13 जो क्वेश्चंस दिए गए और उन क्वेश्चनर्स के अंदर बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया जो जेआईटी को मैंडेट दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनको वो तमाम सवालात जो हैं वो पता है कि वो क्या हैं। उसमें बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम, आपको अपनी मनी ट्रेल, आपको अपनी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और किकबैक्स और जिस जराये से भी वो प्रॉपर्टीज बनी आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है, और आपको मौका दिया जा रहा है कि आप जस्टिफाई करें कि ये इल्जामात बेबुनियाद है। बिल्कुल, लेकिन देखना यह है कि वहां फोकस उनका जेआईटी नहीं है। जेआईटी के अंदर जाके वो जो सवालात के जवाब है, मनी ट्रेल है नहीं, वहां वो अपना डिफेंस कर नहीं सकते और वहां उनका डिफेंस बहुत वीक है। अब वो जब बाहर आते हैं तो एक सियासी थिएटर लगा लेते हैं, उस सियासी थिएटर में आप ये देखती हैं कि मुख्तलिफ अदाकार आके सियासी अदाकारी के जरिए वो पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, और ऐसे वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आपने सुनी होगी कि पता है सब कुछ, उसके बावजूद बार बार ये कहा जा रहा है और वो मासूमाना अंदाज से सवाल किए जा रहे हैं। इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, ये तो बताया जाए हमारे ऊपर इल्जाम क्या है। इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, जैस्मीन आज स्पीच सुन रही थी मरियम बीबी की, मरियम बीबी को वो रट्टे रटाए तोते की तरह जो तोता मैना की कहानी पढ़ा के भेजी गई, उन्होंने वो रट्टी कहानी सुनाई और जब सुनने की बारी आई तो उन्होंने एकदम से अपने दरबारी की हिदायत पे अमल करते हुए वहां से एस्केप ले लिया। मैं चलिए ठीक है, जमहूरियत में नहीं होता, जमहूरियत में जमहूरी रवैये होते हैं, ठीक है, जहां डिक्टेशन नहीं चलती, वो ठीक है, जहां पे सुनाना, मैं भी वो क्वेश्चंस ना लेना चाहती हूँ, दैट इज समथिंग पर्सनल, ठीक है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगी। लेकिन मैं इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, ये मैं वाकई में आपसे आज ये पूछना चाहती हूँ, कौन है वो इतना पावरफुल शख्स जो वजीर आजम को ब्लैकमेल कर रहा है कि उनकी बेटी ये कह रही है कि उन्हें मजबूर ना करे इससे पहले आके वो सबके राज दे दे। भाई दे दे राज, क्या ऐसे राज हैं, हमें भी तो पता चले, क्योंकि इस मुल्क में तो राज अमूमन हमें दूसरे मुल्क से पता चल रहे होते हैं। देखें जैस्मीन, बात सिर्फ सिंपल सी है कि इस मुल्क हमेशा से जिंदगी, जब से इस मुल्क की हिस्ट्री शुरू हुई है, इस मुल्क एक बहुत बड़ी साजिशों का शिकार रहा है। लियाकत अली खान की मौत से लेके भुट्टो की फांसी और मियां नवाज शरीफ के इकतदार पे अलहदा कर देना और कब्जा करके जेल में डाल देना, सारी चीजें जो है ना एक सीक्वेंस के साथ चली आ रही इस मुल्क के साथ, और आज तक हमें ये नहीं पता चल सका कि कौन से हाथ है और कौन है। हम इतने भोले और बच्चे होते हैं कि हम इस चीज को बिल्कुल
कहते हैं कि जी हमारा जो है ना, हमें नहीं पता, आप बताएं जी कौन है बंदा। पता सबको है कि कौन क्या कर रहा है इस मुल्क के अंदर और किसका क्या काम है और कौन किस तरीके से जा रहा है। ठीक। अब मसला ये है करने वाला कि मैं जैस्मीन एज ए पॉलिटिकल वर्कर जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, कामल अली आगा साहब तजर्बाकार हैं, वकील भी हैं और माशाल्लाह फिरदौस, डॉक्टर फिरदौस भी बड़ी पुरानी पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये सियासत मुकाव प्रोग्राम के तहत एक फेजेस चलेंगे। पहला फेज अब चल रहा है, उसके बाद दूसरा फेज आना है और तीसरा फेज आना है और चौथा फेज आना है। सियासत मुकाव फेजेस के अंदर सियासत मुकाव प्रोग्राम जारी है। किसने बनाया? सियासत को इन्होंने जड़ से उखाड़ देना है जो भी ताकतें हैं। जैस्मीन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कामल आगा को पता है, नाजी साहब एक सेकंड रुक जाए सर, एक सेकंड खुल के बात कर लेते क्योंकि मेरे ख्याल से ये वो दौर थोड़ी, अल्लाह माफ करेगा, आपने फोन करके कह दिया कि बंदे को उठा लो और फड़का दो। नहीं नहीं, खुल के बात करें, कौन सी ताकत है सर? आप लोगों ने तो ट्वीट किया था कि स्टॉर्म इज ओवर। जैस्मीन ज्यादा खुलना ना आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा ना मेरी सेहत? नहीं सर, मैं तो डरती नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप तरह खुल के बताए ना, आपने कहा वजीर आजम के खिलाफ कोई साखर, मेरा एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो आई वांट टू नो ना, ये क्या हो रहा है? यही तो मैं पूछ रही हूं। चलो, साजिश कोई भी नहीं है, कोई पीछे नहीं है, मुझे ये बता दीजिए हो क्या रहा है, क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा सर? आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास आपके अपने अपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स देने? बोलने दे, बोले चले, बोले 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 जैस्मीन, मुझे बोलने प्लीज बोले सर, मुझे अपना मौकफ देने दे। ठीक है, ये जो कामल अली आगा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी वो कौन है तो आर्मी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फलान कर रहे हैं, कामल अली आगा साहब अपने ख्यालात मरियम बीबी के मुंह में न डालें। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, कामल अली आगा साहब के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन आज यहां देने आया हूं, एक इन्फॉर्मेशन देता जाऊं कामल अली आगा साहब को कि कामल अली आगा साहब आप लोग भी अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, जिस लिस्ट को इस मुल्क में जिस लिस्ट पे काम हो रहा है उस पे आप लोगों के भी नाम है, आपके बड़ों के और आपके लीडरों के, ये सारी गेम चलेगी। अच्छी बात और है। आप देखिएगा गेम क्या है, मुझे गेम ही समझ में नहीं आ रही। इनामुल्लाह नियाज़ी साहब मजा तो तब देखे, मेरी बात सुने, मुझे आपकी बातों के लॉजिक तो तब समझ में आए, आप मुझे गेम तो बता दें कि गेम क्या है। अगर नियाज़ी साहब आप एहतसाब की बात करते हैं तो हम चौधरी शुजात हुसैन ने और परवेज लाई ने अपने आप को पहले दिन पेश कर दिया था और एक साल पहले पेश कर दिया था, हम तैयार बैठे हैं, हमारा एहतसाब करें। नहीं सर, होना चाहिए एहतसाब तो बिल्कुल होना चाहिए, परवेज लाई का और चौधरी शुजात का या मोहन से लाई का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता जिस बहस को कोई फायदा ना हो कामिल, मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं एक ओवरऑल पाकिस्तान की, ओवरऑल सियासत की, ओवरऑल इन सारे में सूरत हाल की बात कर रहा हूं कि जो कुछ भी होने जा रहा है इसमें अभी पहला फेज चल रहा है, अब इंतजार करें, इमरान खान भी इंतजार करे, जरदारी भी इंतजार करे, आप लोग भी इंतजार करें और लोग भी इंतजार करें, ये सारी सूरत हाल एक ऐसी सिनेरियो बनाया जा रहा है कि जिसमें, और बड़े अरसे से ये प्लानिंग थी कि सियासत को किस तरह डिफ्यूज किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में सियासत को मुकाव प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मैं बड़ी सिंपल सी आपको बात बता दूं, जहां तक बात है जीआईटी की जी, सबको तकलीफ हो रही है, इमरान खान साहब अगर इलेक्शन कमीशन और अदालतों की ऐसी तैसी फेरे ठीक है, आज मरियम बीबी के साथ चार गाड़ियां आ गई, बड़ा प्रोटोकॉल ले लिया 15, वो तो एंटाइटल्ड है। किस तरह? मरियम नवाज एंटाइटल्ड है, किस चीज किस तरह? एज ए डॉटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मैं पूछता हूं इमरान खान साहब नथिया गली में जो प्रोटोकॉल ले रहे किस बेस पे ले रहे हैं, क्या एंटाइटलमेंट है? अच्छा सर, वो आप जाने और आपका ठीक है, वो आप जाने आप तरीके इंसाफ जाने, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती, लोगों को नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, खुद नंगे हैं, लोगों को नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। आजी साहब का गुस्सा कुछ हम कम करें कुछ जी, प्लीज आप बोल दें। नियाज़ साहब आप इजाजत देते हैं? हम इजाजत है ना डॉक्टर साहब, आप प्लीज ये बताएं आपको इस डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से निकालने का कोई फार्मूला हम डिस्कस करें? नहीं प्लीज, ये मुझे फॉर्मूला तो मैं डिस्कस तब करेंगे जब आप मुझे ये बताएंगे कि ये क्या कह रहे हैं कि मुकमुकाओं का सिलसिला फेज वन जारी है और फेज टू आने वाला है और फेज थ्री चल पड़ा है, क्या मतलब क्या इस बात का? बात ये है जैस्मीन के इस मुल्क की ये बदकिस्मती रही कि जब इस मुल्क में एहतसाब की बात हुई
उसको इंतकाम का नाम दिया गया। ठीक, जब इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स की बात हुई तो यहाँ पे इन्हें कोई किसी ना किसी साजिश की बू आने लगी। देखना यह है कि जिस जमहूरियत का लबादा हम ओढ़ के बैठे हैं, जिस जमहूरियत के नाम पे मेरा एक बुनियादी सवाल ये है, नहीं माजने जाति जो इरादे और जाति कारोबार और जाति मफादात हैं, मैं मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि पनामा के अपार्टमेंट्स ऑफशोर प्रॉपर्टीज का जमहूरियत से क्या ताल्लुक है। इनामुल्ला नियाज़ी साहब, आप इसका जवाब दे दे सर कि मुझे आपकी सारी बातों से ये समझ में आया है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक एक क्लास है, एस्टैब्लिशमेंट का ही जिक्र कर लेना, उनसे ज्यादा तो पावरफुल कोई नहीं है, लेकिन सर ये तो आप मेरी बात सुने, मैं जैस्मीन आपको जरा सिंपल सी एक बात समझा दूं जी। कि क्वेश्चन इज के बाद पनामा लीक से शुरू होकर हुदैबिया पेपर और चौधरी शुगर मिल पे आ गई, एक बात जिनका कोई तल्लक वास्ता भी नहीं है। भाना ये किया जा रहा है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में जब आप मुझे बात कर रहे हैं कि खुद कह रहे हैं कि हमने पॉइंट तो है ना, ये मनी ट्रेल जो है वो हुदैबिया पेपर मिल, चौधरी शुगर मिल, ये लीक है। और आप अपनी कहानी शुरू हुई है, वहां से शुरू करेंगे ना, कहानी को एंड से जाके तो नहीं आप पढ़ना शुरू। अच्छा न्याय साहब, देखिए मुझे बात करने दे, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। ओके बात करें, बात करने दे, करे करे। अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि उसका फैलाव देखें, फैलाव के बाद जो एक बहुत बड़ा पॉइंट आज सामने आया लोगों के, और इस पे बड़ी बड़े आपको एक आध दिन में तबसरे भी मिल जाएंगे और आपको इस पे बड़े बड़े आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। हाँ वो आप मैनेज करके लगवाएंगे। कत्री साहब मेरी बात करने दे जी मुझे। जी जी करें ना सर, सुन रहे हैं। कत्री के लेटर के बाद, कत्री के लेटर के बाद, कत्री के तीसरी दफा उनको लेटर लिखने के बाद जेआईटी का उस तरफ ना जाने का क्या मकसद है? उसका मकसद सिर्फ ये है, अगर हम कत्री के पास जाते हैं हमारी सारा जो प्रोग्राम और स्कीम है सारी ढेर होती है, फेल होती है, उसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा। और कत्री के पास जाते हैं कत्री को लाते क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ी कत्री है जो एक महीना पहले यहाँ पे 50 लोगों के साथ तलोर का शिकार खेल कर रहा था, अभी तो आया था कत्री। हाँ गंद डाल के गया, जुर्म क्या था? लोग जुर्म की स्टोरी निकली है उसमें, क्या मिला दिया गया उसमें, क्या जुर्म था अगर कत्री शिकार खेल रहे तो? कतरी को शिकार नहीं खेला उसने, उसने गंद डाला। वो आज से नहीं खेल रहे, हमारी गैर का मसला है, 20 सालों से खेल रहे हैं और दुनिया के अंदर आर्टिकल लिखे गए इसके मतलब। मोना सिलाई की चोरियां भी सामने आएंगी, न्याय साहब को मौका देते हैं, न्याय भी सामने आएंगी, मोने सिलाई की चोरियां भी सामने आएंगी। आए? आप इंतजार करें यार, अब मेरी बात सुनो, हम तो खुश न्याजी साहब, न्याजी साहब ये कतरी जो है, कतरी को लाना आप लोगों का फर्ज है, आप पे आपके आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, आपने आपके ऊपर बोझ है कि आप लेके आपने खत पेश किया था, दुबई जा सकती है, ये मूलत लड़ाई में खत नहीं पेश किया था, इंक्वायरी कर सकती है, कतरी के पास क्यों नहीं जाते? अच्छा चले, कतरी के पास क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं लाते? इंक्वायरी कर सकती है, आप क्यों नहीं लाते कतरी को? आपकी सफाई की कतरी बिजनेस है, आप लेके आए। कतरी का लेवल नहीं है कि जीआईटी के आगे आगे खुद पेश हो, कतरी का लेवल नहीं है, पाकिस्तान का लेवल है। यही तो बात हम कहते थे कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, मुल्क में पेश हो रहा है, उनका लेवल ही नहीं है कि वो अपने मुल्क में पेश हो रहा है, उसके सामने मुल्ज़िम बन के पेश हो रहा है, अपने मुल्क में पेश हो रहा है, मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क में पेश हो रहा है, हमारे मुल्क का अपने लोगों के सामने पेश हो रहा है। कतरी के आगे हम अपने मुल्क को गिरवी तो नहीं रख सकते? न्याजी साहब मुंह सिलाई बागा नहीं था, उसका एहतसाब हुआ, आपने काफी आपस में इंगेज किया तीनों ने डिस्कशन के लिए। जस्ट वांट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मैं इस चीज पे जरूर बात करना चाहती हूँ कि इन्होंने जो न्याजी साहब ने जो बात की है ना, जो प्रोग्राम चल रहा है फेज वन फेज टू फेज थ्री, वो क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। मनी ट्रेल की अगर आपने बात करनी है तो उस शख्स से बात कीजिए
कि पाकिस्तान में एसेट है उसके नाम और उसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सका है। अगर आपने नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो ना सिर्फ हम दे चुके हैं बल्कि आपको पहले नवाज शरीफ का किसी असासे के साथ लिंक साबित करना होगा, उसके बाद आप बात करें। हमारा जो मेन डिफेंस है, गवाह है कतर के प्रिंस, उनका बयान लेने जेआईटी के मेंबरान अभी तक कतर क्यों नहीं गए? मेरा ख्याल है ये दुबई सैर सपाटा ही करने गए थे। मैं जेआईटी से बड़े एहतराम से अर्ज करता हूं कि आप भी अपने खाते तैयार रखें, ये कौम का पैसा टैक्स मनी है जो आप इस्तेमाल किया और आपने कर रहे हैं, कौम आपसे हिसाब लेगी इंशाल्लाह। वेलकम बैक। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, धमकियां तो आपने सुन ली होगी, कोई भी पीछे नहीं है। अभी उन्होंने एक और नई धमकी डाल दी है कि कौम आपसे हिसाब लेगी, किस चीज का, आई विल लीव दैट। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ नियाजी साहब, ये क्या कह रहे हैं कि प्रोग्राम बन गया और ये हो गया और वो हो गया, सियासत को हटाना चाहते हैं, तो सियासत को हटा के क्या करना चाहते हैं और कौन हटा रहा है सियासत को? जैस्मिन, ये तो मफरूजे हैं, ये तो इनकी इनकी अपनी राय है, लेकिन ये अब वो दौर नहीं है, 90s का दौर नहीं है। अब अदलिया आजाद बैठी हुई है और फौज पाकिस्तान मुदाहलत करने के लिए तैयार नहीं है। और पिछले 10 साल से देख लें, पेदर पे इतनी गलतियां भी हुई, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया हुआ है उसके ऊपर वो बिल्कुल इत्तफाक के राय से बड़ी मजबूती के साथ चल रहे हैं। इस किस्म की कोई बात नहीं है। और आईजे ने जो ये लीक्स की थी वो उसके अंदर 29 ममालिक के जो ऑफिशियल थे, कोई सरबराह थे, 7 मुल्कों के सरबराह थे और कोई वुजरा थे, कोई और थे, और 465 के करीब जो है उसके उसके अंदर दुनिया की अहम तरीन शख्सियात के नाम थे। ये साजिश नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लीक्स हुई और हकीकत पर मुबनी थी, जिसकी बिना पे इमरान खान इसको अदालत के अंदर ले गया। और वहां पे ये वो जो मुकदमा था उसके अंदर ये था कि चूंकि ये चीजें की गई हैं और उनके बयानात जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ हैं और उनके उनकी बेटी के, उनकी बीवी के और उनके बेटों के बयानात कुछ और हैं, तजाद तो इनके बयानात में। अच्छा, आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप आज एक मिनट, आज भी आप देख लेना, आज हुसैन नवाज फिर ये कह रहे थे, कल वो कह रहे थे कि हमारे पास कोई मनी ट्रेल होगी तो हम देंगे, हमारे पास कोई मनी ट्रेल है ही नहीं, हम कहां से दे दें। आज वो फिर कह रहे हैं कि हम मनी ट्रेल दे चुके हैं, और मरियम नवाज ने भी ये कहा कि हम मनी ट्रेल दे चुके हैं। ये आज का वाक्य है, उससे पहले आप देख लें, एक भाई कहता है 2005 में तकसीम हो गई, दूसरा भाई कहता है 2007 में। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सियासत का नया जो, अब इसके बाद जो नया सेकंड जो बाब शुरू होगा वो ये होगा कि हमें इस तरह कर दिया और हमें कुर्बान कर दिया और हमें ये कर दिया? मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये तरीके से इस तरह क्यों नहीं करते, इनकी पार्टी में इतने सारे लोगों के, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है दे शुड नॉमिनेट अनदर प्राइम मिनिस्टर और कहानी खत्म हो गई। जमहूरियत में तो दुनिया भर के ऐसे ही होता है। ये तो हम पहले दिन से कह रहे थे जैस्मिन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जिस साजिश का इनामुल्ला नियाजी साहब जिक्र कर रहे हैं, बदकिस्मती से ये साजिश जो है वो गुज़श्ता 35 साल से नून लीग पाकिस्तान के अवाम के साथ कर रही। आज पहली दफा जब उनको कानून और आइन के कटहरे में आना पड़ा तो उन्हें वो साजिश जो वो अवाम के खिलाफ करती रही, छुप छुपा करके, चोर दरवाजे से मुकमका करके और बार्गेन करके, असगर खान केस आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसको भी सुना जाना चाहिए। उसमें वो तमाम हकायक जिनका जिक्र नियाजी साहब कर रहे हैं, क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि ये किस तरह से चोर दरवाजे से इक्तदार में आने के लिए साजिशों में मसरूफ रहे, तो इसलिए अब इनको जब अपने इक्तदार पे आंच आती नजर आ रही है तो ये समझ रहे हैं कि जैसे ये चोर दरवाजे से दूसरों की हुकूमतें गिराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके या इधर उधर की अंदरूनी बैरूनी इमदाद लेके, वो उसामा बिन लादन हो या कोई भी हो, उसके पैसे से हुकूमतों को गिराने की जो स्ट्रेटेजी थी, कोई और भी उनको गिराने के लिए वो दोबारा से ट्रेलर दुरार है, तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ चुकी है, ये जिस सियासी शहादत के लिए ख्वाहिश रखते हैं और बार बार कह रहे हैं, कतरी शहजादे का जिक्र कर रहे हैं, नामुल्ला नियाजी साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के सीएस से इनका एहतराम करती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से आज इनका डिफेंस वीक है,
उसकी वजह ये है कि कतरी को बसीते गवाह आपके जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने दिया, अब उनका काम है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसको यहाँ ला के पेश करना। कभी आप मुझे ये बताएं जिस पे इल्जाम होता है वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गवाह और शहादत वो लेके आता है। जीआईटी जो कानूनी तकाजे हैं वो कतरी शहजादे के से वो उन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो जैस्मीन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये साजिश जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए खिलाफ हो रही है, ये जमहूरियत के खिलाफ इसलिए इनको नजर आ रही है कि ये आमरियत की सोच के साथ जमहूरियत को आगे लेके चलना चाहते हैं। सब ये पूछना चाहते हैं कि आज जो उन्होंने कहा कि सिविल बालादस्ती के लिए वो लड़ रहे हैं और ऐसा हो रहा है और वो मजबूर ना हो जाए, Really, people want to know कि वो कौन है जो प्राइम मिनिस्टर को लोग तंग कर रहे हैं और ब्लैक, और वो क्या चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से ऐसा काम जो वो नहीं करे प्राइम मिनिस्टर करें ना तो नाम ले ना जुरत करें नाम ले 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 सर once and for all आपका वो जमाना चला गया मिनिस्टर साहब की लेकिन आपने ट्वीट वापस करवाई ना नाम पूछ के आती काम पे एहसान करती। न्याजी साहब जैस्मीन मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूँ, मुझे ये बात बताएं कि लियाकत अली खान को किसने कत्ल किया था और कौन सी साजिश थी उसके पीछे, आपको आज क्यों पता चला उसके बारे में आपको रोशनी था? देख फिर दोस्त मैं आपकी बात में नहीं बोला, आप मेहरबानी करके खामोश बैठे, मैं आपकी बात में नहीं बोला, आप बड़ा मेहरबानी करें बात ठीक है। अच्छा इस मुल्क के अंदर जब भी साजिशें हुई हैं उसके मुहरकात पे हम इतनी भोली कौम है कि हमने आज तक कभी उसकी तफसील में और उसकी हिस्ट्री में जाने की कोशिश नहीं की। बात बड़ी सिंपल सी है, फिरदौस साहिबा कह रही हैं कि उसामा बिन लादन की फंडिंग फलां फंडिंग, मोहतरमा जो अभी फंडिंग का मसला आया हुआ पहले उसका तो जवाब दिलवाएं अपने लीडर से, जो यहूदी लॉबी की फंडिंग कैलिफोर्निया से स्टार्ट हुई है और इस्लामाबाद आके रुकी है उसका तो हिसाब दिलवाएं, $7.5 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट थी। केस में ये चीज एस्टैब्लिश होगी कि किसने पैसे लेके मेरी बात सुने फिर दोस्त आप बाप मुझे बात करने दें, आप अपनी बारी पे बात करें, आप बरा मेहरबानी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मैं बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आज तक अदालत में पेश होने से घबरा रहा है वो नवाज शरीफ नहीं है, वो उसका नाम इमरान खान है, इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट है, इमरान खान यहूदी लॉबी की लेकिन फिर आप जातियात पे आ गए हैं, आपके पास लॉजिक खत्म होता है और आप जातियात पे चले जाते हैं। आप मियां नवाज शरीफ पे बोल रही है वो जातियात नहीं है, मैं इमरान पे बोल रहा हूँ जातियात हो गई है, का एजेंट नहीं है नवाज शरीफ, इंडिया का एजेंट नहीं है, फिर वो तो अगर मुझे बात न करने दी तो मैं भी आपको बात नहीं करने दूंगा, सबसे ज्यादा मैं भी आपको बात नहीं करने दूंगा, तो मैं आपको बताऊं इमरान खान का मुझे जाती तौर पे पता है, पाकिस्तान में ला रहा आ जा रही हो कि पाकिस्तान में आ जा रही हो, आप ज्यादा वफादार बनने की कोशिश मत करो, आप आ जा रही हो, इमरान यहूदियों का एजेंट है, मैं साबित करके दे सकता हूं इमरान यहूदियों का एजेंट है, मोदी का एजेंट है, मैं इमरान यहूदियों का एजेंट है, यहूदियों का पैसा पाकिस्तान में आया उसका जवाब दे अदालत में जाके $7.5 मिलियन आप उस वक्त जब एजेंटी कर रहे थे आप साथ थे, बेनामी अकाउंट खोले गए आप साथ थे ना, आप उनके कजन है आप साथ थे, आपने क्यों नहीं रोका उनको उस एजेंटी से? नहीं था मैं उसका कजन नहीं हूँ, मैं ऐसे कजन रिश्ते पे थूकता भी नहीं हूँ, आपको मैं बड़ी सिंपल सी बात बता दूं। तो यार अच्छा अब हम माजरत के साथ अब हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहां से अब मुझे आगे लग रहा है कि हम बिल्कुल क्योंकि जातियात में आ जाएंगे, आई डोंट वांट टू डू दैट, पहले ही बहुत सारे रूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं और अब तो लोगों की प्राइवेट लाइफ्स जो हैं उनके ऊपर भी तबसरे हो रहे हैं। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा एंड इनामुल्ला नियाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड लाइक टू क्लोज द शो हेयर बट आई वॉन्ट टू पुट सम फैक्ट्स ऑन एयर, पानामा इमरान नहीं लेके आया, That is a fact. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।